नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पे। तो आइए देखते हैं क्या था इम्पोर्टेंट आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम से रिलेटेड। साथ में देखेंगे दिस डे इन हिस्ट्री, सम फैक्ट्स अबाउट बिहार, क्विक रिवीजन करेंगे आर्ट एंड कल्चर एट ग्लांस में। अभी हम यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो देख रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ बिहार वो भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो द टॉप हेडलाइंस आर 105 traffic children found and they will be sent back to their homes. Inauguration of super speciality hospital in PMCH. Capacity of Kumar Bagh steel processing unit to be enhanced. New engineering and polytechnic colleges to be opened. तो आइए देख लेते हैं इसका description. Okay, so the first news is 105 traffic children found and they will be sent back to their homes. With the help of tracking system and counseling, 105 traffic children were found in Bihar. They belong to UP, Jharkhand and West Bengal. The children will be sent back to their respective home state. So, जो child trafficking के वजह से children लोग इधर उधर misplaced हो जाते हैं, तो उनको अभी ट्रैक किया गया है काउंसलिंग के थ्रू, और जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसके थ्रू 105 बच्चों का पता चला है जिनको लेके आया गया था यूपी से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, और वो लोग ऐसे ही अबंडन हो चुके थे यहाँ पे। तो उनको ढूंढ लिया गया है और अब जब उनसे काउंसलिंग के थ्रू उनके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल चुका है, तो उनको वापस यूपी भेज दिया जाएगा, झारखंड और वेस्ट बंगाल भेज दिया जाएगा। तो ये 105 जो बच्चे हैं उसमें से 45 हैं यूपी के, झारखंड के 35 हैं, वेस्ट बंगाल के 25 हैं। ठीक है, तो ये देखा जा सकता है कि ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है कि जो स्टेट है अबंडन चाइल्ड जो है उनको वापस से उसके घर, उनके घर पहुंचा रही है, और इसके वजह से जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है वो भी मैनेज हो रहा है। नेक्स्ट, इनाग्रेशन ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन PMCH। तो PMCH में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने वाला था वो बन चुका है, और उसका इनाग्रेशन होगा 2 मार्च को 2019 में, इसी महीने, नेक्स्ट महीने हो जाएगा। तो ये था न्यूज़। और नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ कुमार बाग स्टील प्रोसेसिंग यूनिट टू बी इन्हेंस्ड। तो कुमार बाग स्टील प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसका कैपेसिटी इन्हांस किया जाएगा। तो गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कुमार बाग स्टील प्रोसेसिंग यूनिट फ्रॉम प्रेजेंट 50,000 टन टू 1,00,000 टन। तो अभी जो स्टील की प्रोसेसिंग होती है वो 50,000 टन ही हो पा रही है, और इसको बढ़ा के 1,00,000 टन कर दिया जाएगा। दिस विल बूस्ट द एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री। तो इसके वजह से जो कैपेसिटी डबल हो जाएगी, तो ये जो कंट्री का एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा देगा। प्रेजेंटली द कंजम्पशन ऑफ स्टील इज़ 208 केजीज पर पर्सन ग्लोबली, वेयर एज इन इंडिया इट्स ओनली 57 केजीज पर पर्सन। तो ये जो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं हम कि इंडिया में जो स्टील का कंजम्पशन है बहुत कम है, और जो स्टील प्रोड्यूस, इंडिया का जो स्टील प्रोड्यूसिंग में रैंक है वो है थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है हमारा कंट्री इंडिया। तो इतना प्रोड्यूस हो रहा है और हमारा कंजम्पशन कितना कम है, तो इसकी वजह से हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपना इकोनॉमिकल जो थोड़ा इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है उसको वापस उसको अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट, न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज एंड पॉलीटेक्निक कॉलेज इज़ टू बी ओपन्ड। तो एक न्यू नया इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा चनपटिया, एंड पॉलीटेक्निक कॉलेज इन मझौलिया खोला जाएगा, ये वेस्ट चंपारण में है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलीटेक्निक कॉलेज खोला जाना है तो कहाँ पे, तो ये वेस्ट चंपारण में अभी खोला जाएगा। नेक्स्ट, ओके, सो दिस डे इन हिस्ट्री, देखते हैं आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट था हिस्ट्री में। ओके, सो इन 1630 शिवाजी महाराज वॉज बॉर्न।
ठीक है, 1630 में शिवाजी महाराज वॉज बॉर्न. ही वॉज इंडियन वॉरियर किंग एंड अ मेम्बर ऑफ भोसले मराठा क्लैन. तो ये इंडियन वॉरियर किंग थे और जो भोसले मराठा का जो क्लैन था उसके भी एक मेंबर थे, और इन्होंने ही मराठा एम्पायर का फाउंडेशन किया था. एंड ही वॉज क्राउंड छत्रपति इन 1674. तो इनको जो टाइटल दिया गया था छत्रपति का, वो दिया गया था 1674 में. ये ध्यान रखेंगे ये सब चीज़ें. नेक्स्ट सम फैक्ट्स अबाउट बिहार में देखते हैं. तो हमने देखा कि सुंग डायनेस्टी में कैसे जो कमज़ोर वीक किंग थे, जिनके जिसके वजह से सुंग डायनेस्टी का बहुत जल्दी डिक्लाइन हो गया था. तो उसके बाद आ गया कन्वर डायनेस्टी. इसमें क्या है इसका देख लेते हैं इसका डिटेल्स. तो वासुदेव जो थे, जो लास्ट किंग थे सुंग डायनेस्टी के देवभूति, उनका मर्डर कर दिया था वासुदेव ने. वासुदेव मिनिस्टर हुआ करता था देवभूति के किंगडम में, मिनिस्टर हुआ करता था, और उसने अपने ही किंग को मर्डर कर दिया, और फिर उसने एस्टैब्लिश किया कन डायनेस्टी को. ठीक है, लेकिन ये भी जो डायनेस्टी वो ज़्यादा दिन तक नहीं रूल कर पाया था, और जल्दी ही ये 28 BC में ये एंड हो गया था. तो ये है कन्वर डायनेस्टी. सुंग डायनेस्टी के बाद आता है कन्वर डायनेस्टी. नेक्स्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं. तो कुमार बाग स्टील प्रोसेसिंग यूनिट फ्रॉम प्रेजेंट, तो इसका जो कैपेसिटी इन्हांसमेंट होना है, यहाँ पे थोड़ा एरर है, कैपेसिटी इन्हांसमेंट होना है, वो है 50,000 टन से लेके, वो तो प्रेजेंट है अभी, उसके बाद उसको बढ़ा दिया जाएगा 1 लाख टन कर दिया जाएगा, इसका कैपेसिटी इन्हांसमेंट होना है. शिवाजी महाराज को छत्रपति का टाइटल 1674 में मिला था, तो ये याद रखेंगे. नेक्स्ट, सो दीज आर द आंसर्स. इसका कैपेसिटी है, कैपेसिटी को इन्हांस किया जाएगा. ये जो कुमारबाग स्टील प्रोसेसिंग यूनिट है, ये 2007 में इंस्टॉल किया गया था, आई थिंक सेल कंपनी जो है उसने ही लगाया था बिहार में, वेस्ट चंपारण में, कुमारबाग स्टील प्रोसेसिंग यूनिट को. ठीक है, तो ये सब देख लेंगे. नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर ग्लांस में देखते हैं. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. ओके, सो टुडे वी विल सी क्योला देव नेशनल पार्क, जो भरतपुर राजस्थान में लोकेटेड है. इसको 1985 में नेचुरल प्रॉपर्टी माना गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में. ठीक है, सो इट कवर्स एन एरिया ऑफ 2783 हेक्टेयर्स. इन 1976 इट बिकेम बर्ड सेंचुरी. ठीक है, तो 1976 में इसको बर्ड सेंचुरी बना दिया गया था. फिर 1981 में इट वॉज रिकॉर्डेड एज रामसार कन्वेंशन वेटलैंड. तो 1981 में इसको वेटलैंड का भी स्टेटस मिल गया. उसके बाद क्या हुआ, एक साल के बाद इट वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क. नाउ इट इज मैन मेड एंड मैनेज्ड वेटलैंड. ये जो वेटलैंड है कोयलादेव नेशनल पार्क का, वो मैन मेड ही है, और मतलब आर्टिफिशियली ही इसको मैनेज भी किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बर्ड पैराडाइज. यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप का बर्ड्स मिलता है. इवन जो साइबेरियन क्रेन होते हैं, उनका ये विंटरिंग ग्राउंड भी कहलाता है जो कोयलादेव नेशनल पार्क है. तो इसीलिए इसको बर्ड पैराडाइज कहते हैं. और 1985 में, जब 1982 में नेशनल पार्क बना, उसके 3 साल के बाद इसको नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया यूनेस्को की तरफ से. तो ये क्वेश्चन आप ऐसे, जैसे कि ऐसे भी पूछ सकता है कि क्योला देव को क्या क्या का स्टेटस मिला हुआ, किस किस चीज़ का स्टेटस मिला, जैसे कि बर्ड सेंचुरी हो गया 1976 में, इसको 1976 में बर्ड सेंचुरी का स्टेटस मिला, 1981 में इसको वेटलैंड का स्टेटस मिला, और फाइनली नेशनल पार्क ये बन गया 1982 में, और ये बर्ड पैराडाइज भी कहलाता है. तो ये सब ऐसे ध्यान रखेंगे. यूपीएससी में ऐसा
ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग. नेक्स्ट ओके, तो ये देख लीजिए, ये कुछ इमेजेस हैं केवलादेव नेशनल पार्क के. ये पेंटेड स्टॉक है, इसको इग्रेट बोला जाता है. आई डोंट नो इन हिंदी इसको क्या बोलते हैं, कुछ सारस वारस ही कहते होंगे, कोई डिफरेंट टाइप का सारस होगा. इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज फ्रॉम बिहार देखते हैं. तो चाणक्य, चाणक्य को सब जानते हैं. इनका नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी इनको कहा जाता है. ही वॉज टीचर, ही वॉज फिलोसोफर, ही वॉज इकोनॉमिस्ट, ही वॉज ज्यूरिस्ट, ही वॉज एडवाइज़र ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य जो उन्होंने मौर्यन एम्पायर बनाया था, इतना ह्यूज एम्पायर बनाया था उन्होंने, तो वो उन्होंने बनाया था चाणक्य की हेल्प के वजह से. सो ही प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर. ही रोट अर्थशास्त्र एंड चाणक्य नीति. तो इनका फेमस बुक जो है वो है अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति, और चाणक्य जो थे वो भी बिहारी ही थे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप वॉचिंग अस एंड अपडेटिंग योरसेल्फ. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नॉलेज ट्वीट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.